नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल अनन्यास कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन सुंदर गुलाब के संग, खिले गुलाब के संग आपका भी दिन की शुरुआत हो, आप भी खिल जाए, आप भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते रहे और सबको आनंदित करते रहे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, तो मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। तो ये तो कहने की बात है, आप सभी मेरे दोस्त हैं, सभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज मेरे साथ बने रहिए। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं नहीं कहना चाहूंगी, बस एक छोटी सी झलकिया छोटी सी व्यू में दिखाऊंगी। और वो फ्लावर एक नया खास फ्लावर खिला है मेरे बगिया में, सब कोई आप जानते ही है, तो वो फ्लावर लेकिन आप लोगों के साथ मिलना चाहते हैं। ये रही मेरे वो स्पेशल फ्लावर, इसे ऐसे तो हम लोग कहते हैं ऑरेंज डबल डे लिली, मैं तो इसे ऑरेंज लिली के ही नाम से जानती हूँ। मैं कह देती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लिलीज़ के वैरायटीज़ है, आप लोग शायद इतने दिन में देख भी चुके हैं, काफ़ी सारे लिलीज़ के वैरायटीज़ है, तो इनमें से ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। और देखिए ये डबल है, लेकिन है ये सिंगल पेटल वाला भी आता है और ये डबल है, कई दिनों से खिल रहे हैं और बहुत सुंदर फ्लावर है, आप लोग भी लगा सकते हैं इसे, बहुत सुंदर। देखिए इसके फ्लावर देखिए, तो चूंकि ये राइजोम से ही निकलता है इसके प्लांट, तो आप इस बरसात में लेकिन ज़रूर कलेक्ट कीजिए नर्सरी से या कहीं से भी अगर किसी के पास है तो ज़रूर कलेक्ट कीजिए, बहुत सुंदर प्लांट है। और फ्लावर इसके देखिए इस समय होते हैं, ऐसे तो जब मेरा ग्राउंड में था तो उस समय मैं देखती थी मई से शुरू हो जाता था इसके फ्लावरिंग, तो इस बार देखिए मैं जुलाई में ये फ्लावरिंग हुई और ये फर्स्ट टाइम हो रही है जब से मैं इस प्लांटर में लगाई हूँ। तो ये ऐसे मई से हो जाती है अगर ठीक से केयर किया जाए। देखिए फ्लावर देखिए, मस्त है इसके फ्लावर, बहुत सुंदर बहुत खूब। तो छोटी सी व्यू मैं अपनी टेरेस की आज जब आई हूँ दिखा रही हूँ, दिखा देती हूँ थोड़े बहुत। यहाँ देखिए मॉस रोज है, कुछ अपराजिता के बेल है, ये है रजनीगंधा, मेरे ग्राउंड में बहुत सारे रजनीगंधा है, तो कुछ लगाती रहती हूँ अपने टेरेस पे। तो यहाँ कुछ खास नहीं लेकिन फिर भी थोड़े बहुत है, अच्छा लगता है। ये करी पत्ता का है, करी पत्ता का मेरे पास बहुत बड़ा प्लांट है, दो तीन प्लांट है बहुत बड़े बड़े, उसमें से ही सीड्स निकले थे तो इसमें लगाई हूँ। देखिए ये एलोवेरा है, वो है एक अदरक, थोड़ी सी मई रूट निकल आए थे तो उसको निकाल यहाँ पे लगा दी थी, तो ये रही अदरक, कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। ये फिर से रजनीगंधा है, तो है यहाँ पे कुछ दिन पहले मैं साफ की हूँ, इसमें बहुत घास फूस हो गया था तो इसीलिए अभी ये मुरझा गए हैं। कुछ कटिंग्स गुलदाउदी की भी मैं तैयार कर रही हूँ, जो देखिए इधर और दिखा रही हूँ इधर एलवेंडा है, और मैं एक वीडियो डालूंगी एलवेंडा की, मेरे पास तीन टाइप्स के येलो कलर के एलवेंडा है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मॉस रोज कटिंग कुछ लगाई हूँ इधर उधर लगाती रहती हूँ। ये हिबिस्कस, ये रेड वाला हिबिस्कस सिंगल पेटल का, जो मैं रिपोर्टिंग की थी आप लोगों के साथ दिखाई भी थी। नीम के पेड़ भी मिलेंगे मेरे टब में, नीम के पेड़ भी है मेरे बड़े से, उसमें से भी मैं लगाती रहती हूँ। देखिए हरे तो है ना, फूल ना खिले लेकिन हरे हरे मुझे अच्छे लगते हैं वो कलर, और हरियाली अच्छी लगती है टेरेस पे आती हूँ तो। वो फिर से प्लांटर में देखिए रजनीगंधा, टूटी फूटी जो भी बॉटल मिलती है वेस्ट पड़ी रहती है, मैं लगाती रहती हूँ। ये चांदनी, इसकी भी रिपोर्टिंग करने के बाद जो मैं शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसके बाद बहुत अच्छी से यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी सारे फ्लावर हो रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गई है अब मेरी चांदनी, बड़े प्लांटर में जैसे मैं शिफ्ट की। और कुछ इधर सदाबहार देखिए, वाइट और वायलेट दोनों एक ही साथ है सदाबहार। तो इस तरह से मेरी टेरेस की मैं व्यू दिखाई, थोड़ी बहुत है, बहुत ही थोड़े ही प्लांट है मेरे टेरेस पे। फिर से रजनीगंधा वेस्ट पड़े हुए बॉल में, किचन वाले जो बॉल होते हैं उसमें। ये रही डोरंटा की प्लांट, डोरंटा से मैं तो अपनी हेज की हुई हूँ, तो शायद आप लोग इतने दिन में वीडियो में शायद फॉलो भी किए होंगे, तो एक डोरंटा, और ये डोरंटा है, ये गोल्डन डोरंटा है मेरे पास, रेड वाली डोरंटा भी है मेरे पास, तो ये गोल्डन डोरंटा आप लोग भी लगा सकते हैं, इस तरह हरियाली बनी रहती है इस तरह के प्लांट से। और ये रही फिर से मॉस रोज, कुछ खिल रहे हैं, कुछ कटिंग इधर उधर है, तो एक दो रहता है तो अच्छा रहता है। ये बॉटल से कट करके मैं लगाई हूँ, बॉटल को कट करके देखिए, तो इस तरह से थोड़ी बहुत झलकिया। ये हाँ, ये एक और है, ये भी एलवेंडा है, और तुलसी का प्लांट एलवेंडा,
और ये प्लांटर को मैं कलर की थी ना उस समय, आप लोगों को दिखाए थे किस तरह से मैं पेंट करती हूँ। इस बार मैं फिर से करूँगी, विंटर में करूँगी, बैठ बैठ के धूप आती है टेरेस पे, उसमें बैठ के मैं कलर कर, अगर पेंट ठीक रहा तो फिर नहीं करूँगी, नहीं तो साल में एक बार मैं पेंट करती हूँ, विंटर में करती हूँ या नवरात्रि के बाद कर लेती हूँ, जैसा जिस समय ज़रूरत पड़ती है। अभी तो देखिए इस बरसात में भी अभी भी सही है, ये 10 महीना हो गया, तो फिर से ये मैं डबल डे ले ले दिखा रही हूँ, आप लोग ज़रूर लगाइएगा। और ये रही मेरी, देखिए सामने में येलो हिबिस्कस, ये भी खिलने वाली है, तो इस बार मैं लगाई हूँ टेरेस पे, और ये डबल डे ले ले आप लोग ज़रूर लगाइए, बहुत अच्छी फ्लावर देती है और बहुत अच्छे फ्लावर्स है, 2 दिन तक रहते हैं, एक फ्लावर खिलने में 2 दिन तक रहते हैं, और एक एक स्टिक में 4-5 फ्लावर हो जाते हैं। तो फिर कैसा लगा फ्रेंड ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।